यूक्रेन से अपने घर पहुंचे छात्र का हुआ भव्य स्वागत। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से, जहां यूक्रेन में पढ़ रहे MBBS छात्र हसनपुर निवासी सलमान अजमल आज स्लोवाकिया के कोशिके शहर से भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गए, जहां उनके भाई डॉक्टर रईस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया और अपनी कार द्वारा उन्हें घर वापस लेकर आए। हसनपुर पहुंचने पर वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मुजाहिद चौधरी, नगरपालिका हसनपुर के पूर्व सदस्य बदर कुरैशी, जीशान कुरैशी, तहसील बार हसनपुर के पूर्व अध्यक्ष महिपाल सिंह और सलमान अजमल के परिवार जनों ने घर पहुंचने पर उनका स्वागत किया। घर पहुंचने पर सलमान अजमल ने जंग के दौरान यूक्रेन में मौत की दहशत में गुजारे हुए पलों को याद करते हुए बताया कि दिन रात धमाकों और गोली चलने की आवाज आती रहती थी। वह कभी बंकर में रहने को मजबूर थे और कभी कभी बाहर भी निकलते थे, लेकिन कहीं चैन नहीं था। हर वक्त अपने देश, अपने घर, अपने परिवार की याद आती थी। हम सब ने रो रोकर दूतावास से स्वदेश भेजने हेतु मदद करने को कहा, लेकिन वहां उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सलमान ने बताया कि उनके साथ मौ, आसिम, महफूज, अंशुमन यादव, कमर जहां, लुमेश साहू, आदित्य सहित दर्जनों छात्र भारत सरकार की मदद से ऑपरेशन गंगा के तहत सकुशल भारत वापस आ पाए हैं। सलमान अजमल ने स्लोवाकिया स्थित भारतीय दूतावास तथा भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा की खूब तारीफ की। उसने भारत सरकार और दूतावास के अधिकारियों तथा केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री किरण रिजिजू का भी आभार व्यक्त किया। परंतु उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में, सलमान ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ अपनी व्यवस्था से ही पहले पैदल रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर कोई दूतावास द्वारा विशेष टीम की व्यवस्था न होने पर रुपए खर्च कर बस द्वारा स्लोवाकिया पहुंचने में कामयाब हुए। रास्ते में चेक पोस्टों पर सैनिक और नागरिक हथियारों से लैस खड़े थे, लेकिन वह भगवान की मदद से स्लोवाकिया पहुंचने में कामयाब रहे, जहां स्लोवाकिया के नागरिकों और सरकार ने भी उनकी काफी सहयोग किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों व कर्मचारियों ने कीव में उनकी अथवा दूसरे छात्रों की कोई मदद नहीं की और न ही उनके लिए किसी बस या ट्रेन की व्यवस्था कराई। भारतीय दूतावास ने केवल एडवाइजरी जारी करने का काम किया। सलमान अपने देश, अपने घर पहुंचकर अपने परिवार और नगर वासियों से मिलकर बहुत खुश हैं। वहां से सुरक्षित आने को अल्लाह का इनाम बता रहे हैं। वही एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व सदस्य मानवाधिकार कार्यकर्ता मुजाहिद चौधरी ने उनका स्वागत किया। अमरोहा उत्तर प्रदेश से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। जिस दिन से रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई और हमारी भारतीय मीडिया ने टीवी पर दिखाना शुरू किया, उसी दिन से सलमान के घर के साथ साथ इस पूरे महल्ले में, पूरे शहर में, जहाँ भी इनकी जानकारी थी और जहाँ भी रूस और यूक्रेन में हमारे बच्चे थे, उन सभी घरों में, उन शहरों और गांवों में गम का माहौल था। लगातार लोग कोशिश कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से इन लोगों से संपर्क हो पाता था। सलमान अजमल से निरंतर हम लोग, बदर कुरैशी हमारे मेंबर नगर पालिका के, उनके भाई डॉक्टर रईस, पूरी फैमिली और हम लोग व्यक्तिगत तौर पर उसमें थे, संपर्क में थे और कोशिश करते थे किसी तरह वहाँ से ये निकल आएँ। इन्होंने अपना प्रयास किया और भारतीय सरकार की सराहना करनी पड़ेगी ऑपरेशन गंगा की, कि उसके माध्यम से ये आए। लेकिन जो इन्होंने शिकायत की है, वो दर्जनों बच्चों ने वहाँ शिकायत की है कि जो राजधानी कीव में भारतीय दूतावास है, उसमें जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। ये निश्चित तौर पर निंदा की बात है, चिंता की बात है। अभी हमारे बच्चे उस देश में हैं, ऐसे स्टाफ को तुरंत बदलना चाहिए, ये हम मांग करेंगे और सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहिए। मात्र एडवाइजरी जारी करने से ही काम नहीं चलता है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उनको ग्राउंड पर उतरकर इनकी मदद करनी चाहिए थी। सुमी में भी यही हो रहा है और कई शहरों में ये हुआ है बच्चों के साथ। हालांकि सरकार चाहती है, सरकार ने अपने मंत्रियों को वहाँ अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा है, मदद करने की कोशिश की है। स्लोवाकिया में अभी सलमान ने बताया, वहाँ की एम्बेसी ने बहुत इनकी मदद की। तो जिन लोगों ने अच्छा काम किया, वो सराहना के पात्र हैं। हम पूरे शहर की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से, देश की ओर से, यूक्रेन में जो हमारे मदद जिन लोगों ने की है, उनकी सराहना करते हैं। जो स्लोवाकिया, पोलैंड या हंगरी, बेलारूस, इन तमाम देशों में जो हमारे नागरिकों की, वहाँ के नागरिकों ने, वहाँ की सरकारों ने मदद की है, हम उनका धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही सरकार जो हमारी केंद्र की है, उसकी भी सराहना करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया और ये बच्चों को सुरक्षित लेकर आए। जो बच्चे मौजूद हैं, अभी जंग में फंसे हैं,
उनको और तेजी से अगर एयरलिफ्ट भी कराना पड़े तो एयरलिफ्ट कराकर उनको लेकर आए, लेकिन अपने नागरिकों की, अपने छात्रों की जान जरूर बचाएं, ये निवेदन करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं इनके परिवार को कि इनका बच्चा जो एक देश का नागरिक भी है, जिम्मेदार नागरिक है, वो वापस आया है, इसलिए उनका बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई।